हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बनाने वाले वेज थाली, जिसके लिए मैंने यहाँ पर दूध को फाड़ना है, जहाँ पर मैंने यूज़ किया है विनेगर का। यहाँ पर अराउंड 1.5 टेबल स्पून विनेगर डाला है। आधा लीटर दूध होगा बचा हुआ, जिसे गोल गोल करना है। अब थोड़ा सा गर्म किया था मैंने और फिर विनेगर डाला था। अब इस तरह से ये फट गया है। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर ली है। अब इसका जो पानी है ना, हम हटा देंगे छन्नी से और अच्छी तरह से इसे दो पानी से धो लेंगे, ताकि जो भी विनेगर की खटास हो वो हट जाए। इस तरह से धो लेंगे अच्छे से। यहाँ पर पनीर होगा इंस्टेंट वाला हमारा। अब इसके ऊपर मैं रख रही हूँ कटोरी, और साथ ही थोड़ा सा हेवी कुछ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो अच्छी तरह से निकल जाए। आप चाहे तो इसे कपड़े में बांध कर थोड़ा सा हेवी वेट उसके ऊपर रख सकते हो, जिससे कि सारा पानी हट जाएगा। बट मैं इस तरह से कर रही हूँ क्योंकि इतना ही हेवी मेरे पास कुछ है। और यहाँ पर उसके तड़के के लिए मैंने लिया है कढ़ाई, तो वो पनीर मैंने साइड में रख लिया है। और यहाँ पर तड़के के लिए मैंने लिया है, यहाँ पर ग्रेवी बनाने वाली हूँ एक्चुअली, तो जिसके लिए लहसुन और प्याज डालना है। इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च। यहाँ पर आप चाहे तो लाल मिर्च का यूज़ भी कर सकते हो, बट हरी मिर्च जो है डाइजेशन में थोड़ी बेटर होती है, इसलिए मैं हरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, तो यहाँ पर एक बड़ा वाला प्याज, जिसे मैंने लंबा लंबा थोड़ा पतला कट किया, जिससे कि प्याज हमारे अच्छे से भून जाए और ग्रेवी जो है फटाफट से रेडी हो जाए। इसे थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक भूनना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, तो सेम वे मैंने टमाटर भी थोड़े से लंबे लंबे से पतले पतले कट किए हैं, सो दैट ये जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे, जल्दी से पक जाएंगे और हमारी जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। तो 2 मिनट के अंदर टमाटर अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। अब मैंने गैस की फ्लेम कर ली है बंद। इसमें मैं डाल रही हूँ बादाम। यहाँ पर 8-10 बादाम मैंने डाल दिए हैं। बस इसे ठंडा होने के लिए रख लेंगे हम साइड में। और यहाँ पर कुछ सब्जियाँ कट करनी है, तो ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन, रेड, ये जो है एकदम हेल्दी वाली हम चावल बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैं इन सब को पतला और लंबा कट कर रही हूँ। आप किसी भी वे में इसे कट कर सकते हो। यहाँ पर आलू भी मैं थोड़ा सा लंबा लंबा कट कर रही हूँ, साथ ही प्याज, हरी मिर्च। यहाँ पर जो है ना, मैं वेज पुलाव बनाने वाली हूँ। बहुत टेस्टी ये राइस लगती है। यहाँ पर बासमती राइस के साथ में मैं बना रही हूँ। अमेजिंग ये राइस लगती है, आप एक बार ट्राई करना। और आज की जो वेज थाली है, पनीर कोफ्ता है, जो होममेड इंस्टेंट पनीर के साथ में बना हुआ है। और गाइस, प्लीज़ रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक किया करना, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। चलिए अब राइस के तड़के के लिए लेंगे कुकर, जिसमें हम डालेंगे तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर डालेंगे 1 तेज़पत्ता, साथ ही इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तीखा नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ एक हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। प्याज डालेंगे, एक छोटा सा मीडियम साइज़ का प्याज यूज़ किया है मैंने। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे बीन्स। तो बीन्स जो है ना, मैंने एकदम बारीक कट की है। जो बड़ी बड़ी बीन्स होती है वो खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती है, तो हम लोग हटा देते हैं, इसलिए मैंने बीन्स एकदम बारीक कट करी है, जबकि बाकी जो सब्जियाँ हैं सारी मैंने लंबी लंबी कट की है। तो गाजर मैंने, आलू डाल दिए यहाँ पर। इन दोनों को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, हल्का सा रोस्ट करेंगे। साथ ही थोड़ा सा ग्रीन पीस डाल रही हूँ, टमाटर डाल रही हूँ, एक छोटा टमाटर यूज़ किया है। थोड़ा सा मिला लेंगे इसे, जिससे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। टमाटर को अच्छी तरह से सॉफ्ट करेंगे, बाकी सब्जी हम बहुत ज़्यादा पकाने की तो ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पर मैंने डाला है नमक अपने स्वाद के हिसाब से। गर्म मसाला एकदम सिंपल वाली है, चावल है, बट इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, आप किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ में, या सिंपल बूंदी रायता या सिंपल दही के साथ में भी सर्व कर सकते हो। यहाँ पर बासमती राइस के साथ में, जैसे मैं बना रही हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग में ही राइस भिगो लिया था, जिससे कि चावल अच्छी सी खिली खिली बनेगी प्लस सॉफ्ट बनेगी। पानी डाल देंगे अपने रिक्वायर्ड सॉफ्टनेस के हिसाब से, जितना राइस आप सॉफ्ट प्रेफर करते हो उस हिसाब से पानी डाल देना है, मिक्स कर लेना है। कुकर की लीड लगा लेंगे, नॉर्मल 2 विसल्स लगा कर पका लेंगे। यहाँ पर जो है हमारी ग्रेवी का टमाटर प्याज अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसे ग्राइंड कर लेंगे बिना पानी की मदद। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे हम, जो ग्रेवी है इसे इसी तरह से हम अच्छे से पीस लेंगे, और ईजीली ये पीसी भी जाएगी। एकदम अच्छी सी सॉफ्ट चिकनी वाली जो सिल्की होती है, उस तरह से पीसना है। और इसके तड़के के लिए मैंने घी लिया है, उसी कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच तेल घी लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 छोटा चम्मच बेसन डाला है। इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, तो बेसन से हमारी जो ग्रेवी है इसमें बाइंडिंग अच्छा आएगा, प्लस टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसके अंदर मैंने डाला है हल्दी, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। इन सबको 5-10 सेकेंड के लिए भून लेंगे, और अब इसके अंदर डालेंगे हमने प्रिपेयर किया हुआ ग्रेवी बेस। आप देख सकते हो बिना पानी की मदद हमने इसे ग्राइंड किया था, इसलिए एकदम अच्छे से ये सूखा हुआ है।
जिससे कि भूनने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसे थोड़ा सा भून लेंगे 5 मिनट के लिए। यहाँ पर मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, आप चाहे तो कसूरी मेथी लास्ट में भी डाल सकते हो। अगर हम पहले डाल रहे हो तो उसका थोड़ा सा टेस्ट स्ट्रॉन्ग वाला आएगा। अगर आपको इस तरह से पसंद है तो डू ट्राई, अगर आपको ज़्यादा बहुत कड़वा नहीं पसंद है तो आप लास्ट में डाल सकते हो। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, मैंने 5 मिनट के लिए हार्डली इसे भूना होगा, तब तक ही अच्छे से सूख चुका है। तो इस तरह से जब हम बारीक बारीक कट करते हैं और अच्छे से भूनते हैं तो बहुत फटाफट हमारी ग्रेवी बन जाती है। यहाँ पर नमक डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से, साथ ही किचन किंग गरम मसाला डाला है। अब इसे हम बॉईल होने के लिए रख लेंगे और इसके अंदर मैं ले रही हूँ हमने जो पनीर बनाया था वो। अगर आप इस तरह से पनीर नहीं बना रहे हो, आपके पास ऑलरेडी पनीर है, आप उससे भी ये बना सकते हो। बस उसे थोड़ा सा क्रम्बल कर देना है और इसके अंदर हम डालेंगे ढेर सारा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, साथ ही हरी मिर्च डालेंगे। इसमें डालना है नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, तो बहुत थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ क्योंकि ग्रेवी में ऑलरेडी हमने डाला है। कॉर्नफ्लोर डालना है 1 चम्मच के करीब, मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। थोड़ा सा जीरा, तो अगर आप चाहते हो कि बॉल्स एकदम अच्छे से गोल गोल बड़े बड़े से बने तो कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। इसे अच्छे से बाइंड कर लेंगे, छोटे छोटे से इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना पनीर कोफ्ता बना रही हूँ मैं, इंस्टेंट पनीर से बना रही हूँ, यानी कि इंस्टेंट जो दूध फाड़ के बनाया था, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, जितना मिल्क था उतने का ही बना दिया मैंने। आप जो है ना थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना क्योंकि हर किसी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब इसके अंदर मैंने डाला है घी, तो यहाँ पर मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि रोज़ रोज़ डीप फ्राई वाली सब्ज़ियाँ आप खा नहीं सकते हो, इसलिए एक बार इस तरह से पनीर कोफ्ता ट्राई करना, आई एम श्योर यू विल लव इट। बस इसे ना घी में थोड़ा सा रोस्ट करना, यहाँ पर मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से गोल गोल पलटाते हुए सब तरफ से इसे रोस्ट कर रही हूँ और जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा, जिसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे, हटा लेना है। ग्रेवी की थिकनेस आप देख सकते हो, कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। गैस की फ्लेम करनी है बंद और यहाँ पर हमारी चावल चेक कर लेंगे, तो ये एकदम कलरफुल चावल जो कि हेल्दी है और फटाफट बनने वाली टेस्टी है, जिसे मैंने टिफ़िन में सर्व किया था और बहुत अमेजिंग ये लगती है। चलिए अब हमारी जो है ना रोटियाँ बना लेते हैं एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। यहाँ पर कुछ नहीं, मैं प्लेन वाली रोटियाँ बना रही हूँ, सिंपल सी रोटी सूखे आटे की मदद से पतली पतली सी रोल करनी है, या आप जो भी रोटी पसंद करते हो इसके साथ में दे सकते हो। यहाँ पर मैंने सिंपल प्लेन वाली रोटी जो है इसे रोस्ट करने के लिए डाला है, फिर इसे फ्लिप कर लेंगे और जैसे ही नीचे की साइड अच्छे से सिक जाएगी हम इसे फ्लिप करके रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से रोटियाँ सेकने से एकदम परफेक्टली सॉफ्ट और परफेक्ट रोटी बनती है, जो डाइजेशन के लिए भी सही होती है। अगर गैस पर डायरेक्टली फ्लेम पर हम डालते हैं तो वो डाइजेशन में थोड़ी दिक्कत करती है। तो यहाँ पर प्लेटिंग के लिए मैंने लिया है खीरा, हमारी बनी हुई सॉफ्ट रोटी, यहाँ पर परफेक्ट बनने वाली राइस और हमारे कोफ्ता विथ ग्रेवी। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसे ही रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू सुरजीत किचन। मिलते हैं नई रेसिपीज़ के साथ में, तब तक प्लीज़ इन्जॉय द वेज थाली। थैंक यू।